फेक फील्डिंग क्या होती है? क्या कोहली ने बांग्लादेश के मैच के दौरान फेक फील्डिंग किया? दोस्तों, आप भी एक क्रिकेट लवर हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं दर्शन मजा आएगा। भारत और बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में भारत ने बांग्लादेश को 5 रनों से पटकनी दी है, जिसके बाद बांग्लादेश के फैंस के बीच काफी बवाल मचा हुआ है। उनका कहना है कि भारत के मैच के दौरान चीटिंग करके मैच जीता है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है? आइए हम आपको बताते हैं कि फेक फील्डिंग क्या होती है। अगर मैच के दौरान कोई भी फील्डर बॉल को छुपाने की कोशिश करता है या झूठा थ्रो करके बैट्समैन को भटकाने की कोशिश करता है तो उसे ही फेक फील्डिंग कहा जाता है। अर्थात सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी तरह से बैट्समैन को गुमराह करना फेक फील्डिंग कहा जाएगा। अगर फील्डर को ऐसा करते हुए ऑन फील्ड एम्पायर देखता है तो सामने वाली टीम को पेनल्टी के रूप में 5 रन दिया जाता है और उस बॉल को डेड करार दे दिया जाता है तथा बैट्समैन द्वारा लिया हुआ रन भी उसको मिलता है और बैट्समैन अपने अनुसार स्ट्राइक रख सकता है। अच्छा, बांग्लादेश के फैंस और उनके एक प्लेयर ने विराट कोहली पर आरोप लगाया है। उन्होंने मैच के दौरान फेक फील्डिंग की, जिसे पेनल्टी के रूप में हमें 5 रन नहीं मिला, इसकी वजह से हम मैच हार गए। लेकिन हम आपको बता दें कि फोटो और वीडियो फुटेज में देखने में ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली ने जब थ्रो किया तो उनके हाथ में गेंद थी ही नहीं, लेकिन उस समय ऑनफील्ड एम्पायर ने उनको नहीं देखा, जिसकी वजह से पेनल्टी के रन भी नहीं दिया गया। गलती विराट कोहली की नहीं, गलती बांग्लादेश टीम की है और उनके प्लेयरों की है, क्योंकि बांग्लादेश के प्लेयरों को उस समय ऑनफील्ड एम्पायर को बताना चाहिए था ताकि वो डिसीजन थर्ड एम्पायर के पास जाए और सच साबित हो सके कि कोहली ने वाकई ऐसा किया है या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कोहली ने ऐसा किया है? आपको जो भी लगता है वो कमेंट करके बताएं। वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।